अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार कुकिंग। और आज हम कुछ अलग और कुछ नया बनाने वाले हैं। तो आज हम ये बनाएंगे, बच्चों के लिए एक स्नैक बनाने वाले हैं जो कि हम आलू से बनाएंगे। और ये बहुत ही यूनिक और बहुत ही अच्छा स्नैक है। तो देखिए, ये मैंने आलू यहाँ पे बॉईल कर लिए और इसे अच्छे से ठंडा कर ले पूरी तरीके से। इसमें ज़रा भी पानी ना रहना चाहिए और बस इस तरीके से इसे ये देखिए। और मैंने ये जो आलू लिए वो जो मिट्टी वाले आलू होते हैं ना, ये वो आलू मैंने लिए थे। इससे बहुत ही अच्छा जो भी आप इससे बनाओ वो बहुत ही अच्छे और क्रिस्पी बनते हैं बहुत अच्छी तरीके से। तो ये मैंने इन्हें बॉईल कर लिया था, अभी मैं इन्हें छील लूँगी और छील के इसे हमें मैश कर लेना है। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर इन्हें छील लिया है पूरी तरीके से। और अभी मैं इसको हाथों की मदद से ही जो भी इसके जो आलू के टुकड़े हैं इन्हें मैं एकदम बारीक कर लूँगी हाथों के मसल से, मसल मसल कर। और ये मैंने चीज़ ग्रेट करके रखा है। आपके पास जो भी चीज़ हो आप वो ले सकते हो। मेरे पास अमूल चीज़ था तो मैंने उसे ग्रेट किया है। तो ये एक छोटी कप के, आधा कप के हिसाब से मैंने ये लिया है। ये देखिए चीज़ है। और अब इसके अंदर हम जो मसाले ऐड करने हैं तो वो ऐड कर देंगे। तो ये ओरिगैनो मिक्स हर्ब मैंने लिया है, तो आपके पास ये हो तो डालें, नहीं तो आप इसमें भुना हुआ ज़ीरा भी ऐड कर सकते हो। और अभी मैं इसके अंदर डाल दूँगी चिल्ली फ्लेक्स। तो चिल्ली फ्लेक्स भी आप अवेलेबल आपके घरों में होता ही है, तो ये देख सकती है। ये मैंने करीब यहाँ पर मैं 1.5 चम्मच के करीब चिल्ली फ्लेक्स ले रही हूँ। और हल्का सा एक थोड़ा तिखास के लिए ना मैं 1/2 चम्मच के करीब लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ। इससे भी बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। और अभी मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी गार्लिक पाउडर यानी कि लहसुन का पाउडर। अगर आपके पास लहसुन पाउडर ना हो तो आप फ्रेश लहसुन को भी मैश करके इसमें ऐड कर सकते हो। और ये स्वाद अनुसार मैं नमक डाल रही हूँ, तो नमक जो है ना चीज़ में भी बहुत ज़्यादा होता है, तो आप थोड़ा नमक कम ही यूज़ कीजिए इसके अंदर। और अभी इसके अंदर हम डाल देंगे कॉर्नफ्लोर। तो मैं यहाँ पर 4 चम्मच के करीब कॉर्नफ्लोर लूँगी, ये देख सकते हो, ताकि इसके अंदर से एक अच्छा सा बैंड आ जाए और हम फ्राई जब करें तो ये टूटे ना, वरना जब आप सिर्फ आलू को फ्राई करते हो तो वो टूटने लगते, तो ये नहीं टूटेंगे। और ये बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा। और ये कुछ अलग है और बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट लगता है खाने में। ये जैसे एक मिनी डोनेट के जैसा होगा। ये आलू डोनेट है, मिनी आलू डोनेट जो नमकीन हम बनाएंगे, और बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो इसका एक डो लगा लूँगी मैं, इन सब चीज़ों को आपस में मिला ले अच्छे से। मैं भूल गई थी, मैंने इसमें चाट मसाला नहीं डाला था, तो अभी मैंने इसमें 1/4 चम्मच चाट मसाला भी ऐड कर दिया है। और ये देखिए मेरा डो यहाँ पर रेडी हो गया है। हम इसकी सॉस बना लेंगे और इसे 10 मिनट के लिए साइड पर कर देंगे अभी। और देखिए यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई रखी है और इसके अंदर मैं डाल दूँगी 1.5 चम्मच के करीब मैदा। कढ़ाई गर्म हो चुकी है, ये देखिए ये मैदा मैं इसके अंदर, तो करीब मैं 1.5 चम्मच मैदा ऐड किया है मैंने इसमें, ये देख सकते हो। और इस मैदे को हमें हल्का सा भून लेना है, सेक लेना है। इसका कलर चेंज नहीं करना है, सिर्फ इसे हमें भूनना है हल्का सा। जब हल्की सी खुशबू उठ कर आए तो उस उतना ही इसको हमें भूनना है, ज़्यादा नहीं, वरना ब्राउन कलर का नहीं करना है इसे। सिर्फ इसके अंदर से खुशबू आने लगे उतना ही इसे पकाएंगे। तो देख सकते हो आप लोग ये गर्म हो चुका है। तो अभी मैंने लिया है 1 कप के हिसाब से इसमें मैंने दूध ऐड किया है। और अब इसके अंदर जो मैदा है उसे अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर लेंगे ताकि कोई लम्स ना रहे। तो देखिए, और मेरे पास जो मैंने अमूल चीज़ लिया था उसी अमूल चीज़ में से मैंने कुछ चीज़ क्यूब भी काटे हैं। तो ये देखिए ये चीज़ क्यूब मैंने इस तरीके से छोटे छोटे पीस में काट लिया है। दूध ठंडा था तो ये थोड़ा मेल्ट होने में टाइम लगेगा, जैसे दूध गर्म होने लगेगा तो ये ऑटोमेटिकली अंदर मेल्ट हो जाएंगे। तो ये देख सकते हो पूरी तरीके से चीज़ अंदर मेल्ट हो चुका है। और अभी मैं इसमें डालूँगी पिंच नमक। नमक इसमें भी हमने चीज़ ऐड किया है तो ध्यान से डालिए। और अभी मैं इसमें डाल दूँगी लाल मिर्ची 1/4 के करीब, 1/4 चम्मच के करीब। और अभी इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है, ये देख सकते हो। और सॉस को बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखना है, क्योंकि जब ये ठंडी होगी तो ये और थिक हो जाएगी। तो अभी थोड़ा सा इसको मैं पका लूँगी थोड़ी इसकी जो थिकनेस है उसके लिए। तो देख सकते हो सॉस रेडी है, ये देखिए बस। और आप इसे जब ठंडा होने दोगे ना तो ये और थिक हो जाएगी। तो आइए आगे का प्रोसीजर देख लेते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर एक छोटी प्याली में तेल लिया है, और ये देखिए इस तरीके से। तो आप इस तरीके से आलू का बैटर ले, आप अपने हाथों में तेल लगा ले ताकि ये हाथों में चिपके ना,
बस इस तरीके से। और मैंने साइड में ना तेल भी गर्म करने रख दिया है, तेल साइड में गर्म हो रहा है वहाँ तक, ये देखिए। तो आपके पास जो भी हो, अगर आपके पास पैन है तो आप पैन की मदद से भी कर सकते हो, लेकिन मुझे हाथ से ही बनाने में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो देख सकते हो इस तरीके से बीच बीच में इस तरीके से एक होल हमें बना लेना है ऐसे, और ऊपर से हल्का सा प्रेस कर लेंगे और इसे इक्वल शेप दे देंगे अच्छे से। आप चाहे कोई भी शेप में बना सकते हो, लेकिन ये कुछ अलग और यूनिक लगेगा देखने में, और खाने में तो ये और भी लाजवाब है। तो देख सकते हो आप लोग जैसे मैं बना रही हूँ, बस इस तरीके से अभी मैं सब रेडी कर लूँगी। मैं आपको एक और बन और ये साइड का जो किनारा फट रहा है तो इसको भी अच्छे से आप पैक कर ले। इस तरीके से फटना नहीं चाहिए, वरना आप जब तेल में डालोगे तो ये पूरा खुल जाएगा। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें, ये चारों साइड से एक जैसा ही होना चाहिए, और एक ही साइज़ के हम बॉल्स बनाते जाएंगे और उसमें से ये पोटैटो डोनट रेडी करते जाएंगे। तो देख सकते हो ये ईज़िली हो जाएगा, कुछ भी मुश्किल नहीं है ये। ये देख सकते हो इस तरीके से, ये देखिए जिस तरीके से मैं बना रही हूँ, आप लोग भी इस तरीके से बनाए लो। तो अभी फटाफट से इसे हम इन सभी को रेडी कर लेंगे, ये देख सकते। तो ये देखिए इस तरीके से मैं अभी बाकी के भी सब रेडी कर लूँगी, और ये मैंने सब रेडी कर लिए। और यहाँ पर तेल भी गर्म हो चुका है, ये देखिए। तेल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, इसे हमें मीडियम ही गर्म करना है। तो देख सकते हो हल्की हल्की सी हीट लग रही है हाथ में। तो अभी एक एक करके मैं इसके अंदर सब जितने इसके अंदर आ जाए पीस, 4 से 5 पीस आएंगे, तो मैं इसके अंदर 4 से 5 पीस फ्राई कर लेती हूँ, ये देखिए। और एक साइड से पहले इसे पकने दे, फिर इसे दूसरी साइड पलटे, वरना आप इसे डायरेक्ट पलट दोगे तो ये टूट जाएंगे। तो इसे मैं पहले 1 मिनट के लिए एक ही साइड से फ्राई कर लेती हूँ। और ये देखिए मैं ये फॉक की मदद से मैं ये कर रही हूँ, ये देखिए इस तरीके से, ये लाइट इसकी मदद से तो ये इजीली टंट हो जाएंगे। आप अगर डायरेक्टली बड़ा चम्मच लगाओगे तो भी ये टूटेगा, तो ये देख सकते हो। तो अभी इसे दूसरी साइड से भी मैं अच्छे से गोल्डन फ्राई होने दूँगी। और ये लीजिए देखिए आप कितना अच्छा कलर आया है इसका। तो बस 1 मिनट यहाँ से भी इसे फ्राई कर लेंगे और फिर मैं इसे निकाल लूँगी। तो देखिए ये फ्राई हो चुके हैं अच्छे से, गोल्डन कलर भी आ गया है। और अब इसे मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ, और बाकी के भी मैं सब इसी तरीके से इसमें फ्राई कर लूँगी। तो ये देख सकते हो आप लोग कितना अच्छा कलर आया है, बस ऐसे ही हमें फ्राई कर लेने हैं। तो ये देख सकते हो मैंने सब फ्राई कर लिए है, ये देखिए, ये देखिए कितना अच्छा, और ये ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट है। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लाइक सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, और इस टेस्टी नाश्ते को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। और ट्राई ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा भी मुझे कि आप लोगों को कैसी लगी। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, अस्सलाम वालेकुम।